चुड़ैल दुल्हन की पहली रात। बेटी जल्दी कर, हल्दी और मेहंदी की तो रसम हो गई, अब बस कुलदेवी के ही दर्शन करने बाकी है। कल तेरी शादी है, उसके बाद तू विवाह होकर अपने ससुराल चली जाएगी। और हाँ, कुछ लोहे का सामान ले लियो ताकि कोई बुरी आत्मा तेरे पीछे ना आ जाए। हाँ माँ, मैंने एक खंजर अपने हाथों में ले रखा है। चलिए मैं तैयार हूँ देवी माँ के दर्शन के लिए। इसके बाद ममता और लक्ष्मी गांव की कुछ औरतों के साथ कुल देवी के मंदिर में जाकर माता रानी के दर्शन करती है। हे माता रानी, मेरी बेटी के विवाह को हमेशा के लिए बनाए रखिएगा, बस यही आपसे विनती है। जोर से बोलिए, शेरावाली माता की जय। इस तरह उन सभी को दर्शन करने में रात हो जाती है और सभी घर की ओर चलने लगती है। इसी बीच लक्ष्मी के हाथ से उसका खंजर कहीं गिर जाता है और जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रही होती है, तभी एक पेड़ पर बैठी चुड़ैल को लक्ष्मी की तेज सुगंध आती है। आहा, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, लग रहा है कोई लड़की दुल्हन बनने वाली है, लग रहा है मुझे अपना अगला शिकार मिल गया। ये कहते हुए वो चुड़ैल एक साया बनकर लक्ष्मी के अंदर प्रवेश कर जाती है और वो सभी अब अपने घर पहुँचते है। अगले दिन लक्ष्मी की शादी हो जाती है और वो अपनी मायके से विवाह होकर अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ उसकी सास गृह प्रवेश करवाती है। आ जाओ बहुरिया, अपने शुभ कदम इस घर में रखो। जी माँ जी। जिसके बाद लक्ष्मी का अच्छे से गृह प्रवेश हो जाता है, तभी हेमलता की नजर लक्ष्मी की आँखों पर पड़ती है। बहू, ये तुम्हारी आँखें इतनी लाल क्यों हैं? वो माँ जी, कई दिनों से मैं सोई नहीं हूँ ना, इसीलिए मेरी आँखें इतनी लाल हो गई है। ठीक है बहू, चल तुझे मैं तेरा कमरा दिखा दूँ, थोड़ा आराम कर ले, शिवम कुछ ही देर में आ जाएगा। जिसके बाद लक्ष्मी अपने कमरे में आराम कर रही थी और बेड पर बैठे बैठे घूंघट में वो शिवम का इंतजार कर रही थी, जहाँ कुछ समय बाद शिवम अपने कमरे में आता है। लक्ष्मी जी, ये रहा आपका तोहफा, आज तो हमारी पहली रात है, क्या मैं आपका घूंघट उठा सकता हूँ? शिवम कई बार लक्ष्मी को ये बात बोलता है, लेकिन लक्ष्मी उसका कोई भी जवाब नहीं देती। जैसे ही शिवम घूंघट को उठाता है, उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि घूंघट में लक्ष्मी नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल थी। ले देख लिया अपनी दुल्हन को, देख लिया, मैं ही कई सालों से तेरे जैसे सुंदर दूल्हे का इंतजार कर रही थी, आज तू मुझे मिल ही गया। ये कहते हुए वो चुड़ैल शिवम को अपने साथ एक काला साया बनाकर वहाँ से गायब हो जाती है और लक्ष्मी का शरीर छोड़ देती है। वहीं शिवम की चीख सुनकर उसकी माँ लक्ष्मी से पूछती है, लेकिन लक्ष्मी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। बहू, कहाँ है मेरा बेटा? उसकी बहुत तेज चीखने की आवाज आई थी, क्या हुआ मेरे बेटे को? माँ जी, मुझे कुछ भी याद नहीं है, शिवम जी कहाँ है? काला धुआं बनकर वो गायब हो गए। हाय हाय, ये लक्ष्मी नहीं कुलक्ष्मी है, इसने मेरे बेटे को खा लिया, अरे कोई मेरे बेटे को ढूंढ के लाओ। इस तरह लक्ष्मी का बसा बसाया ससुराल किसी मातम में बदल जाता है। लेकिन दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि जब भी वो चुड़ैल किसी दुल्हन में प्रवेश कर लेती तो उसके पहली रात में ही दुल्हे को अपने साथ लेकर चली जाती। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि वो चुड़ैल ऐसा कर क्यों रही थी और कहाँ इन दुल्हों को लेकर जाती थी? चुड़ैल का क्या रहस्य था पहली रात में दुल्हों को गायब करने का? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। दिव्या और आदि की अभी हाल ही में शादी होने वाली थी। आदि जी, कुछ ही दिनों बाद में हमारी शादी है। पता है मुझे, अब मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा। बस थोड़ी दिन और इंतजार कर लीजिए, उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो जाऊंगी। हाँ, मुझे भी बस उसी दिन का इंतजार है। वैसे आदि जी, पता नहीं क्यों मेरा सर कल रात में बहुत भारी भारी सा लग रहा है। जब से मैं उस जंगल से गुजरी हूँ, तब से ही ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे सर पर बैठा हुआ है। देखो, तुम्हें थकावट हो गई है, तुम बस आराम करो, मैं जल्द ही बारात तुम्हारे घर लेकर आऊँगा। जी, मैं आपका इंतजार करूँगी। ऐसे ही कुछ दिनों में शादी का दिन आ जाता है। माँ, आज मेरी शादी है और आपने आज ही मेरे इतने छोटे बाल कटवा दिए, बताइए मैं कितना खराब लग रहा हूँ। अरे बेटा, मैंने जो किया है तेरी भलाई के लिए किया है, ये विग पहन ले। और हाँ, तूने अपना खंजर तो रख लिया ना? ध्यान रहे, खंजर को तू अपने आप से दूर मत होने दियो। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। इसके बाद आदि बराती पर दुल्हन के घर पहुँचता है और कुछ ही समय में शादी हो जाती है। और विदाई के समय
दामाद जी, मैं अपने घर की लक्ष्मी आपको सौंप रहा हूँ, आप इसका ख्याल रखिएगा, इससे कोई भूल चूक हो जाए तो इसे माफ कर दीजिएगा। पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे अपने जिगर के टुकड़े को सौंप रहे हैं, मैं इसका हमेशा ध्यान रखूंगा। जिसके बाद आदि दिव्या को अपने साथ अपने घर ले जाता है और सारी रस्म रिवाज पूरी होने के बाद कौशल्या कहती है, बहू जाओ और जाकर आराम कर लो, बहुत थक गई होगी ना। जी माँ जी, जैसा आप कहें। इसके बाद दिव्या अपने कमरे में आदि का इंतजार कर रही होती है, जहाँ कुछ ही समय बाद में आदि अपने कमरे में जाता है और दिव्या से कहता है, दिव्या, मैं और तुम आज एक रिश्ते में बंध गए और इस दिन का हम दोनों ही कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आदि ऐसे में दिव्या से बोलता हुआ उसका घूंघट ऊपर करता है। जैसे ही दिव्या का घूंघट पूरी तरह ऊपर होता है, दिव्या एक चुड़ैल में बदल जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। एक और हैंडसम दूल्हा। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, और मेरी दिव्या को तुम छोड़ दो। छोड़ दूंगी, पहले मैं तुझे तो अपने साथ ले चलूं। चुड़ैल जैसे ही आदि का बाल पकड़ती है, उसका विग चुड़ैल के हाथ में आ जाता है। तू तो हैंडसम नहीं है, तू तो आज बहुत बदसूरत लग रहा है, मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकती। भगवान का शुक्र है, लेकिन मुझे चुड़ैल जी ये बताइए कि आप सिर्फ हैंडसम दूल्हों को ही क्यों अपने साथ ले जाती हैं? आज मैं तुझे बताती हूँ। देखिए नरेश जी, आपकी बेटी सावली है और हर लड़का उसे देखकर रिजेक्ट कर देता है, लेकिन आज मैं आपकी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ, लेकिन एक शर्त है, आपको लड़के वालों को दहेज देना होगा। पंडित जी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। ये सारी बातें नीलम अपने घर की खिड़की के पीछे से सुन लेती है और अपने माँ पिताजी से बोलती है, माँ पिताजी, मैं सावली बेशक हूँ, लेकिन मेरी शादी इस तरीके से मत करवाइए, क्योंकि पैसों के नील पर शादी नहीं टिकती। देख बेटी, मैं तेरे लिए रिश्ता देख देख कर थक गया हूँ, अब बस इस रिश्ते को मना मत कर। नीलम अपने पिताजी की बातों को नहीं काट सकी और शादी के लिए हाँ भर दी। उसके कुछ ही दिनों में नीलम की शादी एक मीठे नाम के हैंडसम लड़के से हो जाती है। उसकी शादी में ढेर सारा दहेज भी देते हैं। बेटी, मैंने शादी तो तेरी जैसे तैसे करा दी, अब तेरे ससुराल से तेरी लाश ही तेरे मायके आनी चाहिए, अगर तू आई तो हम जीते जी मर जाएंगे। ये सब सुनकर नीलम बहुत रोती है और अपने ससुराल पहुंच जाती है। वही कुछ समय बाद उन दोनों की सुहागरात वाले दिन ही लड़ाई की आवाजें आती है। मेरी माँ ने और तुम्हारे माता पिता ने मुझे धोखा दिया है, मुझे बताया कि लड़की बहुत सुंदर है, लेकिन तुम तो बिल्कुल उल्टा तवा हो, अगर तुम मंडप में घूंघट में ना होती तो मैं वहीं तुम्हें छोड़कर चला जाता। चली जाओ भी मेरे घर से। निखिल जी, इसमें मेरी क्या गलती है, जब मुझे ऊपर वाले ने ही ऐसा बनाया है तो मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? जाओ जहाँ जाना है, या फिर जाके मर जाओ, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। नीलम निखिल के आगे बहुत हाथ पैर जोड़ती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और वो उसे घर से निकाल देता है। अब मैं कहाँ जाऊंगी, माँ पिताजी के यहाँ भी नहीं जा सकती, अब मुझे मेरे ससुराल वालों ने भी निकाल दिया है, इसीलिए मेरा मर जाना ही सही होगा। इसके बाद नीलम नदी किनारे जाकर उसे देख कर मर जाती है। यही थी मेरी कहानी। बहुत दुख हुआ तुम्हारी ये कहानी सुनकर, लेकिन इस तरह से तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। पता है मुझे, मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि तुम हैंडसम नहीं हो, उसके बाद में भी तुम्हें अपनी पत्नी की चिंता है, लेकिन जो भी दूल्हा मुझे दहेज का लालची और शक्ल पर घमंड करता मिलेगा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। ये कहते हुए चुड़ैल वहाँ से काला साया बनकर गायब हो जाती है और वहीं दिव्या और आदि अपनी पहली रात अच्छे से बिताते हैं और उस दिन के बाद वो चुड़ैल उनके पास कभी नहीं आती।